जितनी तेज तुम चलाओगे ना वो भी चलाएगा उतनी तेज। तो अभी मैं इस गेंद को देखो भाई हवा में उड़ाने वाला हूँ। कैसे उड़ाऊंगा ये देखो, मेरे हाथ में जादू है, ये देखो जादू जादू जादू, देखो ये उड़ा उड़ जा। ये देखो आया मैं, लाइट बंद हुई, मैं यहाँ से हटा, ये देखो मेरी परछाई। परछाई अंदर आने के बाद भाई चारों तरफ मैं ही मैं, इधर भी मैं, इधर भी मैं, और इधर देखूंगा तो इधर भी मैं। चरणजीत सिंह भाई जी आपको यहाँ पे मिलेंगे, आप कभी भी आओगे तो इनसे आके कॉन्टेक्ट करना, जो हमारी वीडियो देख के आएगा डिस्काउंट है ना उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल डिस्काउंट है। कितना परसेंट? 20% 20% डिस्काउंट है भाई, कोई भी आएगा हमारी वीडियो देख के यहाँ पे। सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो भाई दिल्ली साइंस म्यूजियम के ऊपर होने वाली है। तो आज मैं दिल्ली के साइंस म्यूजियम घूमने के लिए आया हूँ भाई। दिल्ली में घूमने के लिए काफी अच्छी जगह है, कभी आप दिल्ली आओ तो भाई घूमने जरूर आना यहाँ पे। तो आज मेरे साथ आए हमारे विनीत भाई आए हैं। तो अगर हम यहाँ के प्राइस की बात करें तो भाई 70 रुपये की एंट्री टिकट है इसके अंदर, और बाकी अलग अलग शोज वगैरह भी होते हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं, आपको दिखाते हैं टिकट वगैरह का क्या हिसाब किताब है यहाँ पे, और पार्किंग वगैरह का कैसा है। तो अगर आप लोगों को यहाँ पे आना हो तो भाई सुप्रीम कोर्ट मेट्रो जो कि ब्लू लाइन मेट्रो आती है उसके थ्रू आप यहाँ पे आ सकते हो। सुप्रीम कोर्ट मेट्रो से उतरने के बाद भाई ऑटो वगैरह वहाँ से मिल जाते हैं, 20 रुपये पर पर्सन के हिसाब से ऑटो लेता है, बाकी वो पैसे ज़्यादा मांगते हैं तो अपने हिसाब से देख लेना। ये देखो मेरे पीछे बॉल, देखो कितनी प्यारी घूम रही है। तो ऐसी चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें अंदर होने वाली है ना। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये इसके रेट लिस्ट है, जो कि एंट्री टिकट 70 रुपये की है। बाकी और भी शो जो आपको देखने हैं तो उनके अलग अलग प्राइस है। तो बाकी यहाँ पे पार्किंग के रेट देख लो भाई क्या है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर की पार्किंग, टाइम के हिसाब से पार्किंग है यहाँ पे। तो और आगे चलते हैं हम लोग, बाकी देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पे मिलती है। तो अभी हम लोगों ने अंदर एंट्री कर ली है, और अंदर एंट्री करने के बाद भाई अगर आपको यहाँ पे चीज़ों की बात करें तो आप यहाँ पे कुछ भी लेके आ सकते हो, किसी भी चीज़ की कोई भी मनाही नहीं है। तो बैग वगैरह भी आप सारी चीज़ें यहाँ पे ला सकते हो। और भाई अंदर एंट्री करने के साथ ही ये देखो सबसे पहले क्या चीज़ें देखने के लिए मिलेगी आपको, इनल का है यहाँ पे लगा हुआ, इनल लगा हुआ है देखो इसमें, और ये पानी पता नहीं कहाँ से आ रहा है, बस ये हवा में नल लगा हुआ है, हवा में नल लगा हुआ है और ये पानी ऐसे गिरता रहता है इसमें, देखो भाई। पहले इसमें हमें मिलेगा अपना प्लैनेट देखने के लिए, अर्थ प्लैनेट, और भाई इस पे नल लगे हुए हैं जगह जगह, तो ये इस चीज़ को दर्शाता है कि भाई 70% वाटर अपनी पृथ्वी पे है। तो ये देख सकते हो ये हमारी पृथ्वी के रिलेटेड चीज़ें हैं, जो कि वर्चुअल इमेजेस बनी हुई है, 3D में है सारी की सारी, और ये देखने में भी भाई काफ़ी रियलिस्टिक लग रही है। तो अभी हम लोग ऊपर आ चुके हैं 2nd फ्लोर पे, और भाई ये काफ़ी बड़ा है, तो भाई इसमें मेन चीज़ें जो होंगी उन्हीं चीज़ों को हम कवर करेंगे। 1st फ्लोर पे आने के बाद भाई कुछ ऐसा नज़ारा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम किसी पुराने से किले में आ गए हों। और भाई यहाँ पे देखो आप, ये सामने ये है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा। तो अभी हड़प्पा सभ्यता के अंदर एंट्री करते हैं, और भाई यहाँ पे आपको दिखाते हैं किस तरीके के हमारे पुराने लोग रहा करते थे, कैसी चीज़ें हुआ करती थी। इस सेक्शन में आप लोगों को हमारे भारत देश की कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी। तो जैसे कि सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये कुतुब मीनार है, यहाँ पे देखो ये मस्जिद बनी हुई है, और ये देखो यहाँ पे भाई बना हुआ है ताजमहल, कितना प्यारा लग रहा है देखने में ना, देख सकते हो एकदम रियलिस्टिक लग रहा है देखने में, बाकी है नहीं रियल। हम लोग 1 फ्लोर और ऊपर आ गए हैं, और यहाँ पे भाई देख सकते हो आप लोग चीज़ें क्या है देखने के लिए, द मिरेकल ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो यहाँ से भाई मनुष्य से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं बॉडी वगैरह में हमारे, तो वो चीज़ें यहाँ पे होने वाली है। तो आप देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी बने हुए हैं, जो कि अंदर की चीज़ें हैं। इस टाइम पर ना जो चीज़ आप अभी देख रहे हो ये हमारा पूरा जीवन है। देखो हमने शुरू किया था यहाँ से, ये हुआ था द बिग बैंग थ्योरी, अगर आपने पढ़ा है साइंस में तो भाई यहाँ से द बिग बैंग थ्योरी हुई थी। तो एक फ्रेम में पूरी ह्यूमन लाइफ है, द बिग बैंग थ्योरी से लेके मैन तक की, देख सकते हो आप लोग। ये एक महिला बनी हुई है, और उसके बाद ये अपनी लाइफ शुरू होती है ऐसे ऐसे, ये 1 महीने से लेके 9 महीने तक की पिक्चर है यहाँ पे, बर्थ ऑफ चाइल्ड पूरी शुरू से लेके एंड तक, 9 महीने के बाद भाई यहाँ से फिर अपना जीवन स्टार्ट होता है। तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे, ये हमारा दिमाग बना हुआ है। यहाँ पे देखो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे ये देखने को लग रही है भाई यहाँ पे, क्योंकि इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आप अपनी पहचान कर सकते हैं, मतलब इसके अंदर देख के आप अपने आप को पहचानो इसमें। तो इसमें बताओ भाई इसमें कैसे पहचानेगा बंदा अपने आप को, ये कह रहे हैं इसमें यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इसमें कुछ चीज़ों को देख के तो आप बता सकते हो कि कौन है, और कुछ चीज़ों को देख के आपको ऐसा लगना चाहिए कि आपकी अपनी चेहरा है। अपना चेहरा बताओ भाई इसमें कहाँ आएगा, तो मैं आप लोगों को दिखाऊँ, ये देखो इसमें अपना चेहरा यहाँ पर आएगा, ये देखो आ गया अपना चेहरा। तो इसमें मैंने अपना चेहरा भी ढूंढ लिया है। तो आप लोगों को मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ, जो कि भाई मैं दिखाने वाला नहीं हूँ करके दिखाने वाला हूँ। इन तीनों चीज़ों में बताओ सबसे भारी क्या होगा,
तो भाई आप लोगों को लग रहा है ये सबसे भारी है या ये है या ये है, तो हम लोग सबसे पहले सबसे भारी वाला उठाते हैं ना। तो भाई ये देखो, नहीं सबसे हल्का वाला हल्का ये होना चाहिए ना आप लोगों के हिसाब से। तो सबसे भारी ये देखो, इसमें वेट कितना है ये देखो, कितनी आराम से मैं तीनों को एक ही हिसाब से उठाऊंगा। ये देखो मैंने कितनी आराम से उठा लिया, और ये देखो भाई ये तो ऐसी एक उंगली से भी उठ जाएगा ये देखो। तो अभी हम लोग एक चैलेंज करने वाले हैं यहाँ पे। तो भाई इसके अंदर ये जो चीज़ दिख रही है आपको, इसको बिना टच करे इस पर पार करना है। तो अगर इस पर टच हो गया तो भाई आवाज़ आएगी बीप की, तो बीप की आवाज़ कुछ ऐसी होने वाली है सुन लो, ठीक है। तो हम इसको बिना टच करे पार करने वाले हैं। हो गया टच, टच क्यों हो गया? ह्यूमन बॉडी का कंकाल है, और इस पर हम बटन पर टच करेंगे तो ये हाथ उठा लेगा। देख रहे हो डांस कर रहा है ये। देखो मेरे हाथ की नसें तो ऐसी दिख रही है, इसके अंदर लगाने के बाद देखो भाई कितनी क्लियर हो जाएगी। देखो वैसे तो कुछ नहीं आ रहा ना इसमें, अब हाथ लगाती देखो नसें एकदम कलर चेंज हो जाएगा इसका। वो भी चला रहा है स्टार्ट हुआ है, वो अभी हुआ है क्या? अच्छा नहीं नहीं, जितनी तेज तुम चलाओगे ना वो भी चलाएगा उतनी तेज। हाँ साउंड ठीक है भाई साहब, हो गया। देखते हो यहाँ पे ह्यूमन आइज बनी हुई है, तो भाई इसको हम दबाएंगे और इस पर हमें पता लगेगा कि हमारी आंखें कैसी देख। तो ये देख सकते हो आप लाइट, जैसे जैसे लाइटें पड़ती हैं आंखों पे उसी हिसाब से हमारी आंखें मूव करती है। अभी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है जीभ, तो जीभ का मतलब है यहाँ पे भाई ये सारे पार्ट्स बने हुए, हमारी जीभ ऐसी होती है देखने में। और भाई यहाँ पे ये देखो ये चीज़ें लगी हुई है, ये टेस्ट है, ये नींबू हो गया और ये मीठा हो गया, चीनी वगैरह, और ये सॉल्टी हो गई। तो हमारी जीभ किस जगह से कौन सा टेस्ट लेती है उस चीज़ के बारे में ये। तो देखो भाई जैसे कोई कड़वी चीज़ होगी तो हमारी जीभ लेगी यहाँ से, जैसे लाइट जल रही है इसके अंदर आप लोगों को दिख रहा है तो यहाँ पे उसका टेस्ट पता लगता है। और किसी खट्टी चीज़ का टेस्ट हमें यहाँ से पता लगता है आपकी जीभ के अंदर से, और मीठी चीज़ का पता यहाँ से लगता है, ठीक है, और सॉल्टी चीज़ का पता हमें यहाँ से लगता है बीच में बिल्कुल। तो भाई इसीलिए नमकीन चीज़ें हम ज़्यादा पसंद करते हैं खाना। अभी हम लोग उतर रहे हैं नीचे यहाँ से, और यहाँ पे भाई काफ़ी डर सा लग रहा है देखने में, क्योंकि ये मेरे पीछे देखो आप क्या है भाई, देख रहे हो कैसा लग रहा है देखने में। तो अंदर चलते हैं इसके, और भाई देखो अंदर आने के बाद कहाँ आ गए भाई, दूसरी दुनिया में। ये तो डर सा लग रहा है यहाँ पे, ये कैसा बना हुआ है? अरे भाई ये देखो भाई, ये देखो भाई यहाँ पे ये क्या बैठा हुआ है, ये क्या बैठा हुआ है यहाँ पे, देखो भाई डरने वाले हैं नहीं ये कौन है भाई, ये देखो इधर देख भी रहा है, ये देखो असली का डायनासोर, असली डायनासोर है देखो बिल्कुल हिल रहा है। देखो भाई शेर यहाँ पे कितना डेंजर लग रहा है देखने में, और वो देखो भाई बंदर बैठा हुआ है वहाँ पे सामने पेड़ पे। ये देखो साइकिल कैसी है देखने वाली, सबसे यूनिक साइकिल है। तो इस साइकिल को भाई कोई चला सकता है तो बताओ जरा कमेंट करके कि कैसे चलाओगे इस साइकिल को। हम लोग आ सकते हैं भाई, गेमिंग जोन है यहाँ पे, गेमिंग जोन बना हुआ है देख सकते हो यहाँ पे आप। चुंबक इल्यूजन वाली गेम है, इसके नीचे ये जैसे ये देखो ये इससे दूर भागेगा, ये इससे दूर भागेगा, इसके पास नहीं आएगा ये देखो। आ गई बाहर बाहर आ गई, यहाँ से इसको उठाओ, बहुत काफ़ी हैवी गेम है बॉल है, यहाँ से इसको वापस अंदर धक्का। ये गई भाई अपनी गेम, और ये देखो घूमेगी घूमती रहेगी अभी इसमें, ठीक है आओ फिर और चीज़ें देखते। तो अभी मैं इस गेंद को देखो भाई हवा में उड़ाने वाला हूँ, कैसे उड़ाऊँगा ये देखो मेरे हाथ में जादू है, ये देखो जादू 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 देखो, ये उड़ा उड़ जा भाई यार, उड़ा दिया तुमने। अब देखो मैं इसको नीचे कर दूंगा वापस, चल भाई मूव डाउन मूव डाउन मूव डाउन मूव डाउन, मजा आ गया भाई साहब। अब देखो एक बार रोड, चल 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 चल
तो गाइस ये कोई जादू नहीं है, इसके अंदर भाई यहाँ पे ये स्विच लगा हुआ है, इस स्विच को हम दबाएंगे तो भाई यहाँ से एयर निकलेगी, और एयर निकलेगी तो ये बॉल हवा में ऊपर उड़ेगी, है ना भाई, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। क्या चीज़ है? तो अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये ऐसे लगे हुए हैं, तो भाई इसके अंदर से हमें यहाँ पे जैसे कि अगर इससे ये बनाना है तो कैसे बनेगा बताओ ज़रा। इन ये लो भाई, ये तो बहुत ईजी है, मैं बना दिया यार, ईजी है, कैसे बनेगा। बन गया भाई, विनीत भाई ने बना दिया भाई, विनीत भाई ने बना दिया ट्रायंगल, बना दिया, ठीक है भाई, ऐसा लगे। अब इसको इसमें बना, इसको चौकोर बनाते हैं, चौरस बनाना है हमारे को, तो आप स्क्वायर बनाओ, स्क्वायर बनाओ भाई, स्क्वायर, हाँ बन गया, बन गया स्क्वायर, तो इजी था, स्क्वायर तो इजी था भाई, इजी तो इसमें कुछ भी नहीं है, अगर समझ में, समझ में आ जाए तो इजी है, ना आए तो फिर बनाते रहो शाम तक। हाँ सच में बहुत खींचना पड़ रहा है भाई, सच में खींचना पड़ रहा है क्या बहुत ज़्यादा? हाँ जान लग रही है। ये तो तुम अपना ही वेट ऊपर ले रहे हो ना। तो भाई ये वाला टास्क मैंने कंप्लीट करा है, तो मानोगे भाई बेइज्जती वाली बात नहीं है, ये वाला टास्क मैंने कंप्लीट करा है, ये खींचना बहुत मुश्किल है और ये वाला इजी है। तो यहाँ पे कुछ ये पियानो वाला सिस्टम बना हुआ है, जैसे जैसे आप यहाँ पे कदम रखोगे उस तरीके से यहाँ पे लाइट चलेगी, ये देखो अभी मैं यहाँ पे चलूँगा, ये मैंने यहाँ पैर रखा है, ये देखो लाइट चल रही है, इन सब चीज़ों का भी साउंड सुनाते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे एक हथौड़ा दिया हुआ है और भाई इससे इस तरीके से सही मजा आ रहा है, ये देखो भाई, हो भाई साहब सच में यार लग रहा है बढ़िया। वो ये चीज जो है ये ठंडी है फुल चिल्ड, और ये भाई बहुत ज्यादा गर्म है, ठंडा भी लग रहा है गर्म भी लग रहा है भाई, एक ऐसा टेस्ट भाई पहली बार ले रहे हैं, एक तरफ गर्म भी लग रहा है ठंडा भी लग रहा है, मम्मी ये कैसे चीज है भाई, गर्म भी है फुल गर्म है और चिल्ड भी बहुत है। तो भाई ये देख रहे हो कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है देखने में, तो इसके अंदर भाई पीछे से रास्ता बना हुआ है और हम पीछे से जा सकते हैं इसमें, और पीछे से जाने के बाद भाई आप ऐसे तरीके से पोज में फोटोज ले सकते हो अपने दोस्त के साथ कैसे भी, भाई काफी इंटरेस्टिंग चीज है ये, मजा आ रहा होगा देख के, आप लोग कमेंट करके जरा बताओ कैसा लग रहा है। यार ये शीशे देखो भाई कैसे हैं, ये कैसा शीशा है देखना, मैं तो छोटा हो गया इसमें, बोना बन गया मैं इसमें बोना बन गया भाई, ये देखो भाई शीशा ये वाला, इसमें उल्टे उल्टे चल रहे हैं उल्टे, और इसमें भी मोटा मोटा हो गया देखो, डिंग 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 मोटा मोटा बॉडी बन गई मेरी देखो इसमें, ये देखो तो भाई अभी ये देखो इसके अंदर मैं इसको, ये देखो आया मैं, लाइट बंद हुई, मैं यहाँ से हटा हुई, देखो मेरी परछाई मेरी यहीं की यहीं रह गई भाई, अब हट जाएगी, अब हट गई ना। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं भाई, देखो कहाँ जाने वाले हैं भाई, कहीं पता ही नहीं है, देख देख के चलना पड़ेगा इसमें, आ गए भाई अंदर, अंदर आने के बाद भाई चारों तरफ मैं ही मैं हूँ इसमें, इधर भी मैं और इधर देखूंगा तो इधर भी मैं, तो भाई मेरे को तो बिल्कुल ईजी लग रहा है, मैं तो बिल्कुल ही जा सकता हूँ कहीं पे भी, ये देख सकते हो आप लोग, ओए कहीं पे भी जा सकता हूँ मैं भाई, मेरे को सारे रास्ते पता है यहाँ के, कहीं पे भी जा सकता हूँ मैं बिल्कुल ईजिली तरीके से, क्योंकि भाई मेरी रोज वाली बातचीत है यहाँ पे, मैं रोज आता रहता हूँ। अबे ये क्या हो गया, यहाँ तो रास्ता ही नहीं है, अच्छा यहाँ होगा रास्ता, ये भी नहीं है रास्ता, इसको ऐसे ऐसे पकड़ पकड़ के जा सकता हूँ मैं, कहीं भी जा सकता हूँ मैं, कहीं भी जा सकता हूँ मुझे पता है, यहाँ जाकर देखो जैसे सामने से अगर अपनी परछाई आ जाए तो समझ जाओ कि यहाँ पे कुछ चोरी सिस्टम है, ठीक है ना, और इस तरीके से हम कहीं भी जा सकते हैं भाई, मेरे को तो पता है बिल्कुल इजीली रास्ता है, यहाँ से इधर घूमना है हमें, इधर से घूमना है, इधर से रास्ता बंद भाई, हो गए इधर है भाई, ये रहा पता है, एक तरीका बताओ इसके अंदर आपको पार करना है तो ये नीचे फर्श देख के चले जाओ भाई, कहीं नहीं खोगे है भाई, बड़े जबरदस्त चीज है। तो अभी हम लोगों ने पूरा साइंस म्यूजियम घुमा भाई अच्छी तरीके से, काफ़ी मज़ा आया, इंटरेस्टिंग था, और भाई अभी हम आए हैं यहाँ पे नीचे कैफेटेरिया में, और ये पीछे देख सकते हो आप लोग यहाँ का भाई, ये है
कैंटीन बनी हुई है यहाँ पे, और ये हमारे पाजी आप लोगों को मिलेंगे आप यहाँ पे कभी भी आओगे तो। तो पाजी क्या क्या चीज़ें हैं अपने पास खाने पीने की? सब कुछ मिलेगा खाने को आपको, ऑल आइटम मिलेगी मेनू में, देख लीजिए बहुत सही। पीछे मैं मेन्यू दिखा देता हूँ आप लोगों को, और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती है रीजनेबल प्राइस में, तो आप कभी भी यहाँ पे आ सकते हो ना। तो ऑफ तो नहीं रहता ना यहाँ का, कभी खुला रहता, रोज खुलता है। तो आपका नाम क्या था? चरणजीत सिंह। चरणजीत सिंह भाई जी आपको यहाँ पे मिलेंगे, आप कभी भी आओगे तो इनसे आके कॉन्टैक्ट करना, जो हमारी वीडियो देख के आएगा डिस्काउंट है ना उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल डिस्काउंट है। कितना परसेंट? 20% 20% डिस्काउंट है भाई, कोई भी आएगा हमारी वीडियो देख के यहाँ पे तो। तो भाई ये यहाँ के रेट है देख सकते हो आप लोग, और ये रेट भाई कभी भी चेंज हो सकते हैं, कोई वैसी नहीं है इसके अंदर कि यहाँ पे जिंदगी भर यही रहने वाले हैं। और ये कैंटीन भी काफ़ी साफ़ सुथरी बनी हुई है, हाइजीनिक है एकदम। तो भाई खाना पीना खाने के बाद अब हम लोग चलते हैं अपने घर की तरफ। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। चलो फिर वीडियो को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो देख के मज़ा आया तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।